नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। 1000 के नोट की मार्केट में होगी वापसी, आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला। 2000 का नोट बाजार से वापस जा रहा है। आखिरकार वो कहावत सच साबित हो गई कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। आरबीआई ने नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने के बाद 2000 रुपए के नए नोट को जारी किया था। अब इसे 30 सितंबर तक बैंकों में डिपॉजिट करवाना होगा या बदलवाना होगा, जो कि मंगलवार से शुरू हो गया है। 2000 रुपए का नोट बाजार से बाहर होने के कारण क्या 1000 के नोट की वापसी होगी, इस बारे में आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा। आपको बता दें कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को बाजार से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है। सभी बैंकों को भी गाइडलाइन जारी कर दिया है और मीडिया को भी ब्रीफिंग दे दी है। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या 1000 रुपए का नोट वापस आ रहा है, तो इस बारे में आरबीआई गवर्नर ने बताया कि 1000 रुपए के नोट को दोबारा से लाने की कोई प्लानिंग आरबीआई नहीं कर रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या 1000 रुपए के नोटों को फिर से सिस्टम में लाने की संभावना है, तो शक्तिकांत दास ने जवाब में कहा कि यह सब अटकलें हैं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आरबीआई गवर्नर दास ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसी को भी अपने 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए किसी तरह की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बैंकों में भीड़ लगाने का कोई कारण नहीं है। आपके पास नोट बदलवाने के लिए 30 सितंबर तक का समय है, यानी 4 महीने है। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोट को बंद करने का असर इकोनॉमी पर काफी कम पड़ेगा। 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन मौजूद कुल करेंसी का महज 10.8% है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।